नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ विवरल। रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और वहां के हालात का जायजा लिया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, हमें टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सुधार करते हुए आगे चलना है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की और वहां के हालातों का जायजा लिया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, हमें टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हुए आगे चलना है। हाल ही में इसके लिए कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपये का एक नए पैकेज को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस पैकेज से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मैं उस टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वैक्सीनेशन में वैक्सीन का इतना महत्व है और उसको इस प्रकार से पूरी तरह सेंसिटिविटी से हैंडल किया है। इसलिए मैं आपके सभी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले साथियों को बधाई देता हूँ और जिन 4 राज्यों में अभी कुछ कमी महसूस हो रही है वहां पर भी बहुत अच्छे ढंग से इस काम को किया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, वर्तमान परिस्थिति से हम सब भली भांति परिचित हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा, हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। देश के अलग अलग राज्यों ने भी नए नए इनोवेटिव तरीके चुना है। आपके राज्य में भी कुछ जिले होंगे, कुछ गांव होंगे, कुछ अफसर होंगे जिन्होंने बड़े इनोवेटिव तरीके से इन चीजों को हैंडल किया होगा। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करके उसको जितना ज्यादा हम प्रचारित करेंगे हमें सुविधा होगी। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है। ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है। इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही हमें हमारी पूरी शक्ति लगानी है, पूरा फोकस इन्हीं चीजों पर करना है। वायरस का प्रहार, वो 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। ये पूरी दुनिया के अनुभवों से प्रमाणित हो चुका है और इसलिए हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहना होगा। कोरोना वैक्सीनेशन सभी के लिए जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो थोड़े से असमर्थ हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव एस के रुगडा के अथक प्रयासों के कान
के साथ कानपुर के अंध विद्यालय में दिव्यांग जनों के लिए एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आज और कल यानी कि 13 और 14 जुलाई को अंध विद्यालय नेहरू नगर कानपुर के प्रांगण में ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सभी दिव्यांग जन अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। वैक्सीनेशन सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होगा। आज हम आपको हनुमान जी के दर्शनों के लिए ले चलते हैं ऐसे धाम जहां अपने ही मंदिर की रक्षा के लिए संकट मोचन बन गए खुद सिपाही। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बजरंगबली मंगलवार और शनिवार की नहीं बल्कि रविवार की पूजा से होते हैं प्रसन्न। आखिर क्यों, देखिए न्यूज प्लस की ये खास रिपोर्ट। हैदराबाद के करमन घाट में है एक ऐसा धाम जहां अपने ही मंदिर की रक्षा करने के लिए संकट मोचन बन गए सिपाही। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां बजरंगबली मंगलवार की ही नहीं बल्कि रविवार की भी पूजा से होते हैं प्रसन्न। हैदराबाद के करमन घाट हनुमान, जितना भव्य बजरंगबली का दरबार उतना ही सम्मोहक उनका रूप है। एक झलक देखने के बाद मन मंदिर में जिसकी छवि बस जाए, ऐसा ही हैदराबाद के करमन घाट का स्वरूप। पवन पुत्र का ये रूप जितना सुदर्शन है उतनी ही इनकी कहानी दिलचस्प है। कहते हैं कि हैदराबाद के रंगा रेड्डी जिले में स्थित करमन घाट की ये अनोखी मूर्त स्वयंभू है। कहानी सन 1142 की है, जब काकतीय वंश के राजा रुद्र शिकार को निकले और शिकार करते जब वो इतना थक गए कि वो आराम करने लगे, तभी कहीं से शेर की आवाज़ आई और राजा उस शेर की ओर शिकार करने बढ़े। लेकिन आगे चलने पर उन्हें शेर तो नहीं दिखाया, भगवान की मूर्ति ज़रूर दिखाई दी। तभी कहीं से आवाज़ आई कि मंदिर बनाओ और भगवान को स्थापित करो। कहते हैं कि तभी से ये मंदिर यहाँ स्थापित है। इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही यहाँ के चमत्कार के किस्से मशहूर हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा हैरान करता है पवन पुत्र की पूजा का विधान, क्योंकि यहाँ शनिवार या मंगलवार को नहीं बल्कि रविवार को पूजा की जाती है बजरंग बली को, वो भी नारियल से। पूजा का विधान हो या चढ़ावा, हनुमान जी का ये रूप हर तरह से सबसे अलग है और सबसे खास है। तभी तो दूर दूर से लोग पवन पुत्र के इस मनोहर रूप और चमत्कारी रूप के दर्शन करने चले आते हैं और भगवान की एक झलक पाकर और कई कामनाएं पूरी होने का वरदान ले जाते हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन सिर्फ मुख दर्शक बना हुआ है, जिसे लेकर पिछड़ा वर्ग अनुसूचित बिरादरी के लोगों में खासी नाराजगी है। अत्याचार बंद हो, इसी को लेकर के आज पैंथर समाज के अध्यक्ष धनीराव बौद्ध ने आज कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया और नाराजगी जताते हुए राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। इस समय पूरे प्रदेश और पूरे देश में बर्बर अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म अत्याचार की बाढ़ है। आजमगढ़ में मुन्ना पासी के घर को तोड़ा गया, डीएम और एसपी वहाँ देखते रहे और उनके संरक्षण में मुन्ना पासी का घर तोड़ा गया, उसके एक एक बर्तन तोड़े गए, एक एक सामान तोड़ा गया। और चंदौली में गुंडागर्दी की यह हद है कि चंदौली में गुंडों लोगों ने घर जला दिया गया, पहले मारा फिर उसका घर जलाया गया। मध्य प्रदेश में 5-5 दलितों की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उनको गाड़ दिया गया। इतना ही नहीं, आप पूरे और हमीरपुर में, लखीमपुर में एक नारी की साड़ी खींची जा रही थी और पूरा प्रशासन और शासन मूर्त दर्शक ऐसा बना देखता रहा। मेरी डिमांड है कि ये दलितों पर, पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अगर इसको रोका न गया तो पूरे देश में आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बिल्हर और घाटमपुर में न्यायिक क्षेत्र को कानपुर नगर से जोड़ने को लेकर आज अधिवक्ताओं ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि न्यायिक क्षेत्र को माती से जोड़े जाने के कारण अधिवक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 200 से 250 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, जबकि आदेश हो चुका है, लेकिन कुछ कमियों और लापरवाहियों के कारण घाटमपुर और बिल्हर न्यायिक क्षेत्र वापस नहीं आ पा रहा है। इसे लेकर आज
अधिवक्ताओं ने डीएम को ज्ञापन दिया। आज हम लोगों ने जो लगातार 7 साल तक हम लोगों का संघर्ष था कि बिल्लौर और घाटमपुर के न्याय क्षेत्राधिकार को वापस कानपुर नगर में जोड़ा जाए, जिसको जनहित में पाते हुए प्रदेश सरकार की संस्तुति पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 14 जून 2019 को गजट जारी कर दोनों तहसीलों का न्याय क्षेत्राधिकार कानपुर नगर में जोड़ दिया गया, किंतु उसका क्रियान्वयन न होने से लगातार हम लोग 220 से 240 किलोमीटर की आज भी ध्रुव यात्रा कर रहे हैं। गजट का क्रियान्वयन कराए जाने हैं तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। नहीं नहीं, मांग तो मानी जा चुकी है, गजट जारी हो चुका है, उसका क्रियान्वयन होना है और क्रियान्वयन कराना प्रदेश सरकार का नैतिक दायित्व है। और अगर उसमें देरी होगी, क्रियान्वयन तो होगा ही, देरी होगी तो हम लोग जैसे 7 साल तक उसके लिए लड़े, पुनः एक बार सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज प्लस, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।